Hey guys, welcome back to my channel. This is your boy Aman Prajapati. This is a girl, Pari Prajapati. And this is a girl, Khushbu Prajapati. So, टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं. आज हम आपको दिखाने वाले हैं अ ट्रिप टू दिल्ली. आज है 29th मई और कल है हमारी टिकट अहमदाबाद टू दिल्ली की. हम लोग अभी फिलहाल ये सारा पैकिंग कर रहे हैं सामान की, हम जाके वहाँ पे क्या पहनेंगे. तो हम लोग बहुत ही कंफ्यूज थे, ऐसे ही हम लोग कंफ्यूज थे कि वहाँ पे गर्मी होगी कि ठंडी होगी. सो तुरंत ही हमारे दीदी का है ना कॉल आया, ऐसा बोला कि वहाँ पे भी बहुत सारी ही गर्मी है. सो इसलिए हम लोग है ना समर अप्रोप्रिएट जो कपड़े हैं वो लेने वाले हैं. खुशबू ने तो बहुत सारे ना जैकेट्स वो सब ले लिया था, क्योंकि खुशबू के दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि दिल्ली में ना बहुत ही ठंडी पड़ती है. सो गर्मी में भी ठंडी पड़ेगी, लेकिन बहन ऐसा नहीं होने वाला, वहाँ पे गर्मी में गर्मी ही पड़ती है. सो तू समर अप्रोप्रिएट कपड़े ही ले ले, ठीक है. गाइस ये दोनों लड़कियां है ना कब से आधे घंटे से ना इतने सारे कपड़े जो है वो निकाल कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाए कि कौन से कपड़े ये लोग लेके जाएंगे कौन से नहीं लेके जाएंगे. बहन जल्दी करो यार. यार ये बात से तो मैं खुद परेशान हूँ, इतनी सारी ट्रिप हमने करी है, हर एक ट्रिप में यही होता है कि इतने सारे कपड़े में से हम 4-5 क्लोथ कैसे लेके जा सकते हैं. तो 4-5 दिन के लिए जा रहे तो 4-5 ही कपड़े लेंगे ना, पर हमारे पास इतने सारे कपड़े उसमें से 4-5 कैसे पसंद करें. सो गाइस इतने सारे कपड़े हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और इसमें से अब हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा कपड़ा लेके जाएंगे. एक काम करो, तुम सारे कपड़े ले लो, फिर सरोजनी नगर से एक भी कपड़े मत लेना, ठीक है. नहीं नहीं ले लो, यहाँ से भर के जाओ और वहाँ से भी भर के लाओगे. मेरे पास एक आइडिया है. क्या आइडिया है? मैं ना एक भी कपड़े इधर से लेके नहीं जाऊंगी और उधर जाके सरोजनी से शॉपिंग करूंगी. और उधर पहनेंगे क्या बहन? अरे तेरे कपड़े हैं ना, मैं एक भी कपड़े नहीं दूंगी, हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, समझी ना. नहीं नहीं बहन, तू यहाँ से लेके जाना अपने कपड़े, खुशबू के भरोसे मत रहे. तुझे तो वो अपना एक 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 कपड़े का टुकड़ा भी नहीं देगी. ये हर बार ऐसा ही करती है गाइस, मैं तेरे को ये दूंगी और उधर जाके ऐसा बोलती है तेरा है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं तुझे. मैं हर बार तो कपड़े नहीं लेके जाती. अरे मतलब कोई सामान की बात हो रही है यहाँ. झूठी. फटाफट से अपनी पैकिंग जो है वो कर लेते हैं दिल्ली जाने की, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि आधे घंटे में ही हमारी पैकिंग हो जानी चाहिए. अगर पैकिंग हमने नहीं की आधे घंटे में तो मम्मी हमें बहुत ही डांटने वाली है. तो मुझे बहुत ही डर लगता है मम्मी से, क्योंकि मम्मी का गुस्सा मैंने देखा है. फटाफट से है ना पैकिंग कर लेता हूँ. और गाइस मम्मी का है ना फ्लाइंग चप्पल हमारे मुंह पे आएगा. हाँ अगर हम लोग ने पैकिंग नहीं की तो तेरे को तो नहीं आएगा, मैं तो 5 मिनट में कर लूंगा. तेरे को आएगा और पायल को भी आएगा, क्योंकि ये भी शांति से बैठी हुई है, तू भी शांति से बैठी हुई है. मेरा तो कपड़ा क्या, हाँ जींस टी शर्ट हो गया मेरा पैकिंग, इसमें पैकिंग क्या करनी है. और वैसे भी आप नहीं लेके भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, आप नहाते कहाँ. ए ऐसा मत बोल, मैं रोज नहाता हूँ. देखो 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 मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, अगर मैं नहीं नहाता तो मैं हैंडसम लगता. अरे बापरे भारी है ना. हाँ बहुत भारी है. अरे बापरे दिखाता हूँ मैं इसमें कितने सारे कपड़े और जूते मोजे देख लो. आप लोग बहुत बोलते हैं ना कि हम लोग डेली ब्लॉगिंग करें, लेकिन एक ही रीजन है गाइस हम लोग डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं, वो ये है हमारा ऐसी नाटक देख देख के आप लोग बोर हो जाओगे. बहनों अब तो बैग भी आ चुका है, प्लीज पैकिंग स्टार्ट करो. अभी के अभी है ना मम्मी तुम दोनों की डांट लगाएगी. ये क्या कर रही है खुशबू, ये क्या कर रही है. अरे अरे मम्मी ये देखो क्या किया इन लोगों ने. अच्छे से करो. चलो मम्मी ये खुशबू ने किया, मैं क्यों करूं. सब मैं समेत कर कपड़ा रखी थी, तुम लोग क्या हाल बना दिए. तो गाइस ये लोग अपने अपने कपड़े जो है वो फिर से फोल्ड कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. आपको बड़े मजा आ रहा है और हमें तो सजा मिल रहा है. हाँ तो सजा तो मिलेगा ही ना, तुम लोग नहीं ना इधर फेंका बैग में सारे के सारे कपड़े, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है. यहाँ पे मम्मी बैठ के सारे कपड़े जो है पायल और खुशबू से फोल्ड करवा रही है. मम्मी प्लीज फोल्ड कर दो. मम्मी मत करना. मैं थक गई हूँ. सो गाइस हमने ऑलमोस्ट अपनी सारी की सारी जो पैकिंग जो है वो कर ली है. यहाँ पे मैंने पायल और खुशबू ने अपने कपड़े जो है वो रख लिए और यहाँ पे पायल खुशबू ने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स भी अरेंज करके रख दिए. लेकिन हम जब तक ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कुछ ना कुछ ये बैग में जो है वो ऐड करते रहेंगे, जो जो हमें याद आएगा. सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे और हम लोग रेडी हो चुके हैं, पूरा का पूरा हमने तैयारी कर लिया है रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए. अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पहना हुआ है. शर्ट, उसके नीचे पहना हुआ है जीन्स और उसके नीचे पहना हुआ है शूज और वॉच एक्सेसरीज और मास्क. सो गाइस मैंने पहना है एक क्रॉप टॉप, लूज पैंट और नीचे हील्स पहना है और इयररिंग पहना है और मास्क लगाया है और प्यारा सा पर्स लिया है जो मैंने गिफ्ट दिया है. सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या पहना हुआ है. मैंने पहना हुआ है 150 की टी शर्ट,
150 का पैंट, 100 रुपए का चप्पल, 100 रुपए का चश्मा, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फैशनेबल ब्रांडेड गुची का पैंट। मम्मी आर यू एक्साइटेड? किससे मिलने जा रहे हो? अपने भाई से। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद? कितना झूठ बोल रही है गाइस, 3 साल पहले ये मिली है। अच्छा, मतलब दिल्ली में मिल रहे हो 10 साल के बाद? अच्छा, मतलब सच बोल रही है मम्मी। सो गाइस, हमारी ऑटो जो है वो आ चुकी है, अब हम सामान रख देते हैं फटाफट ऑटो में। ऑटो में पांचों जन जो है वो बैठ चुके हैं। एक ऑटो में ना हम पांचों जन आ भी नहीं रहे थे, फिर भी हम कैसे कैसे करके ना एडजस्ट होके बैठ चुके हैं। हम चारों यहाँ पे बैठे हैं और पापा जो है वो आगे बैठे हैं ऑटो वाले अंकल के पास। ट्रेन तो हम टाइम से पकड़ ही लेंगे क्योंकि अभी 2 घंटे हैं, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। मुझे लगा कि हम लोग लेट चल रहे हैं। ट्रेन की टाइमिंग क्या है? 6:30 बजे की है। आई थिंक पूरे 10 साल के बाद हम लोग फाइनली रेलवे स्टेशन पे आए हैं। हम जब छोटे थे ना तब हम लोग आए थे एक बार, उसके बाद हम हर बार है ना सिर्फ अपनी कार से ही ट्रैवल करते थे। और यहाँ पे देखो ट्रेन आ रही है। सो गाइस, हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है। गाइस, हमारी ट्रेन तो आ चुकी है लेकिन हमें पता नहीं कि हमारा ट्रेन का डब्बा कौन सा है। आई थिंक है ना जो हमारे सामने है ना वही वाली है। अरे वो वाली नहीं है। अरे वही है, एक बार पापा से पूछते फिर हम आपको बताते हैं। अरे उधर मिलेगा स्प्राइट का बॉटल। हाँ है इधर, इस साइड चल। स्प्राइट की बॉटल दे दो ना। अंकल मेरी बात सुन ही नहीं रहे। चिल्ला के बोल अंकल। अंकल अंकल एक स्प्राइट की बॉटल दो ना। हाँ बस यही। कितने वाली है? पापा आपके लिए स्प्राइट। थैंक यू। पापा आपको अकेले नहीं पीने, हमें भी देनी है क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग। गाइस, यहाँ पे मैं ना अकेली खड़ी हूँ और ये चारों लोग साथ में बैठ गए। तो तू वहाँ पे भी बैठ सकती है ना। अकेली हो जाऊंगी ना, तुम लोगों ने जैसलमेर में भी मुझे ऊंट पे अकेला छोड़ दिया था। देख पापा कितने अच्छे तेरे लिए खड़े हो गए वहाँ पे। देख जा बैठ, अब बैठ। माय पापा इज माय रियल हीरो। चल बैठ पापा की परी। सो गाइस, खुशबू है ना सही सही बोल रही थी, हमारे सामने वाला जो डब्बा है ना वही हमारा ट्रेन का डब्बा है। चलो सबके सब बैग उठा, मैं अब नहीं उठाने वाला। मैं भी नहीं उठाने वाली, मेरा तो यही भारी बहुत लग रहा है। मेरे मेकअप का बॉक्स लाने में भारी नहीं लगता? इतना सारा मेकअप का बॉक्स लाई है वो मम्मी ने उठाया है। चलो चलो मम्मी चलो खुशबू, गुड वर्क गुड वर्क। वाव एकदम ठंडी ठंडी। वाव गाइस, पहली बार हम ना ये एसी वाली ट्रेन में आए हैं, हमें ठंडा ठंडा फील होने लगा और मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ। थैंक यू मम्मी पापा ट्रेन की एसी वाली टिकट करवाने के लिए। डाल दे ऐसे, नहीं, ऐसे, नहीं। ऐसे सीधा करके ए हाथ धो। आप भी हाथ धो। हाँ मैं भी धोता हूँ, पकड़ कैमरा। खाना पीना जो है वो कर लिया है, अब हम जा रहे हैं आराम से सोने। अगर हम कुछ करेंगे तो हम आपको बता देंगे, वरना हम मिलेंगे आपको कल सुबह। अंकल एक ले लूं? हाँ ले ले। मम्मी मम्मी 100 रुपए दे दो। मम्मी एक ले लो। ले लिया हमने। दही भी लेना है? दही ना, दही नहीं लेना। स्पून है ना? अंदर है। अब हम खाएंगे वेज बिरयानी। ये
सिर्फ खा, तू सिर्फ खा। खाने के लिए आई हूँ ट्रेन में। अरे चढ़ जा, चढ़ के आवा ना, मैं खा जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता। खुशबू ये है, ये बेडशीट है और टॉवल है। तो ये अपना ही है ना? हाँ अपना है, बट यूज करने के लिए, लेके घर पे जाने के लिए नहीं है। ठीक है, कौन लेके जा रहा है, कैसी बात कर रही है? खुशबू सच सच बता, कैसा है? अच्छा है कि नहीं है वेज बिरयानी? अरे मैं कहती हूँ ठीक ठीक है। घर जैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो भी चला ले काम इससे। इतनी तो टेस्टी है, तुम लोग बोल रहे हो ठीक ठीक है, बहुत ही तो अच्छी लग रही है। पूरे रास्ते मम्मी ने खराटे मारे हैं ना? नहीं, खराटा नहीं मारा ना मम्मी। मैं अभी नहीं उठता, आधे घंटे एक घंटे बाद उठता, खराटे के कारण। हाँ, आपके खराटे के कारण मैं उठा हूँ 5 बजे। सो गाइस, हम 15 मिनट में ना अब दिल्ली पहुँचने वाले हैं। ये मम्मी ये तो बोलो ही मत, पूरे रास्ते सो के आई हो। मम्मी गाड़ी से जाए, बस से जाए, ट्रेन से जाए, कहीं से भी जाए, मम्मी का सोना तो इम्पोर्टेंट है ही। सो गाइस, हम लोग दिल्ली कैंट स्टेशन जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ से फाइनली अब हम जाने वाले हैं अपने मामा के घर। तानी हम लोग बस से जाएंगे कि मेट्रो से जाएंगे, सो जो होगा मैं आपको बताता हूँ। हमने रिक्शा ले लिए, फिर से अहमदाबाद से भी हम लोग रिक्शा में आए हैं, इसे मामा के घर पे भी रिक्शा से ही जा रहे हैं। वाह, मेरे गोद में बैठी है पायल और खुशबू मम्मी के गोद में बैठी है और एक ही रिक्शा में हम सारे जन आ गए। खुशबू कैसा लग रहा है तुझे फर्स्ट टाइम ई रिक्शा ऑटो में बैठकर? मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है, दिल्ली घूमने में मजा आ रहा है ना? हाँ। अभी तो और जगह भी हम जाने वाले हैं जहाँ पे बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं तो स्पेशली है ना सरोजनी नगर के लिए आई हूँ। और पायल तुझे?